दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर एसबीआई की शाखा निवाड़ी शाखा ये बैंक है जो कृषि विकास से जुड़ा हुआ है। यानी आसपास के करीब 20 गांवों के लोग यहां पर आते हैं जो कि किसान हैं और इनके यहां पे खाते हैं और जो यहां पर डेली ट्रांजैक्शंस करते हैं। लेकिन समस्या देखिए कि बैंक के बाहर लाइन खड़ी है और जो ये लाइन मौजूद है ये तमाम वो लोग हैं जो कि किसान हैं, अपने घरों का काम छोड़ गए हैं, अपने खेतों को छोड़ गए हैं। जो महिलाएं आप यहाँ पर देख रहे हैं ये तमाम महिलाएं गांव से बिलोंग करती हैं, गांव से संपर्क रखती हैं और ये अपने घरों का काम छोड़ के आई है, जबकि आप जानते हैं कि गांव में कितना काम है महिलाओं के पास, लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि पैसा चाहिए नई फसल के लिए, लेकिन वो तब मिलेगा जब आप यहाँ पे लाइन में खड़े होंगे। एक बुजुर्ग अम्मा मेरे साथ, उनसे जानते हैं। अम्मा क्या दिक्कत है आपको? भैया 10,000 रुपए काटने थे, 5,000 रुपए मिले हैं। एक बार 5,000 रुपए दिए आपको, लेकिन सरकार ने कहा है आप 24,000 रुपए एक हफ्ते में निकाल सकते हो। अरे हमारे तो 10,000 आवे, उनमें से 5 दिए। पेंशन आती है आपकी? हाँ पेंशन आवे। पेंशन धारक है, पेंशन आती है इन बुजुर्ग महिला की, लेकिन करें क्या, क्योंकि बैंक ने 5,000 रुपए देकर हाथ खड़े कर दिए हैं और 5,000 रुपए ऊंट के मुंह में जीने के बराबर जो है। कुछ और महिलाएं हमारे साथ हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स बताना चाहती है। क्या कुछ समस्या है आपको है बताए? नहीं है समस्या? आपको कोई समस्या हो? 5 मिलने, 5 में भी सो रहे हैं। मैं तो स्टूडेंट्स भी है यहाँ पे कुछ, जो जिनका ये कहना है कि इनके लिए ये राशि काफी पर्याप्त है और इन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं सर, कोई दिक्कत है बैंक में आके? दिक्कत ही दिक्कत है जी। बताएं किस तरह की दिक्कत है? पूरा पैसा नहीं निकल पा रहा, खेत जो हमें जितनी जरूरत है उतना नहीं निकल पा रहा। अब नई फसल का टाइम है, अगर आपको 5,000 रुपए मिलते हैं पट्टे पे, हम पे जमीन है, हमें खेतों वालों के देने हैं, पुराने नोट बंद हो गए तो नहीं आते, नहीं उन्हें उनका गुजारा कैसे करें? हमें अपने गुजारे से ज़्यादा खेतों वाले की जो पट्टे पे खेत ले रखे हैं उनको देना है। अब उनकी समस्या कैसे हल हो, तो हमारे तो बीच में लटक गए हम तो। अगर एक किसान को 25,000 रुपये सरकार कहती है कि 25,000 ले सकता है लेकिन बैंक उसे सिर्फ 5,000 रुपए दे रहा है, तो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या 5,000 रुपए में उसकी नई फसल हो पाएगी। इनसे जानते हैं, हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है। 5,000 रुपए क्या एक किसान के लिए पर्याप्त है नई फसल बोने के? कुछ भी नहीं होता, बीज भी पूरा नहीं पड़ता, खाद की तो बात दूसरी है, खाद तो आएगा कहाँ से, बीज ही नहीं मिल पाता, इतने में तो हो पाता पूरा। एक छोटे किसान के लिए कम से कम कितना पैसा होना चाहिए ताकि वो नई फसल उगा सके? भाई 25-30,000 रुपए तो चाहिए गेहूँ बोने के लिए, इससे कम में तो काम नहीं चलता। बैंक में किस तरह की समस्या सामने आ रही है? सारी समस्याएं समस्या है, कभी पैसा नहीं रहता, कभी लाइन इतनी लंबी होती है कि उसमें आदमी खड़ा खड़ा थक जावे। तो समस्याओं को कह सकते हैं कि अंबार लगा है, लोग परेशान हैं और ये परेशानी अब बढ़ती ही जा रही है क्योंकि 24,000 रुपए के नियम को घटाकर 5,000 रुपए कर दिया गया और उस 5,000 में भी लोग सुबह से लेकर शाम तक खड़े होते हैं लाइनों में आके और शाम को बैंक हाथ खड़े कर देता है कि कैश खत्म हो चुका है। आप कुछ कहना चाहती है? ये भी कुछ नहीं भैया, मैं तो कुछ ना, अपने बच्चों को यही है कि बच्चों को छोड़ कर आवा, छोटों को दूध पीते बालकों को, मतलब सुबह से लाइन में खड़े रहते हैं यहाँ पे, इसी को यही कहना मुझे तो। कितने दिन से आप लाइन में आके लग रहे हो? जी मैं तो 3-4 दफा आके लग चुकी थी। पैसा 4 भी बज जाते हैं, 5 भी बज जाते हैं, ये है सारा, भूखे प्यासे पड़े रहते हैं यहाँ पे। देखिए ये शायद एक किसान का दर्द है और इस दर्द को एक किसान ही समझ सकता है। आपको ये बता दें कि हमारे देश की 70% आबादी कृषि पर आधारित है, यानी किसान उगाता है तब देश का पेट भरता है और ऐसे में जब किसान ही लाइनों में खड़े होंगे बैंकों की तो कौन यह अनाज उगाएगा और कैसे जनता का पेट भरेगा, ये एक बड़ा सवाल है सरकार के लिए और उन बैंकों के लिए जो कि किसानों को सुविधाएं देने में लगातार कटौती कर रहे हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी कश्मकश देखिए कि इस सवाल का जवाब ना तो सरकार के पास है और ना ही बैंकों के पास है कि आखिर कैसे वो लोगों का पेट भरेंगे। नई फसल की बुआई का टाइम है, ये टाइम बेहद क्रूशियल है क्योंकि इस टाइम तक रोज बुआई हो जाती थी हर साल, इस बार की बुआई काफी बाधित हो रही है नोटबंदी की वजह से, लोग परेशान हैं और खास तौर से वो किसान जिन्हें इस वक्त बुआई करनी थी पैसों की किल्लत के चलते काफी लेट हो गई है। कैमरामैन कमलेश कमल के साथ निवाड़ी से गौरव सिंह की रिपोर्ट कोबरा पोस्ट के लिए।